अब खबरें विस्तार से। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को पुणे पहुंचे, जहां उन्होंने सेना खेल संस्थान में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा समेत टोक्यो खेलों में भाग लेने वाले रक्षा बलों के कर्मियों यानी खिलाड़ियों और कोचों को सम्मानित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने ASI स्टेडियम का नाम बदलते हुए इसे नीरज चोपड़ा के नाम पर करने की घोषणा की। वहीं सेना से जुड़े ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने इस मौके पर रक्षा मंत्री को एक शॉल भेंट की। इस शॉल पर सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार खेल के जगत के हर व्यक्ति को प्रोत्साहन देगी और राज्य सरकारें भी खिलाड़ियों को सुविधा में अच्छा योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि वे उस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जब भारत को ओलंपिक खेलों की मेजबानी का मौका मिलेगा। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी मौजूद थे। कुछ भी कहने के पहले जो भी ऑडियंस यहां पर मौजूद है, मैं यह अपील करना चाहूंगा, इस बार के ओलंपिक ने जिन्होंने मेडल हासिल किया है उन्हें भी, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और मेडल हासिल करते करते चूक गए हैं, रह गए हैं, उन सबकी हौसला अफजाई के लिए एक बार अपने स्थान से ही तालियां बजाकर सभी का अभिनंदन करें। आप सभी का स्वागत करें।